हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं मतंजन। मतंजन जो है वो शादियों पे बनता है, वैसे भी घर में बना सकते हैं आप किसी त्यौहार पे, तो बहुत ही ये मज़े की रेसिपी है। तो आइए बताते हैं कि इसके लिए हमने लिए हैं ये 500 ग्राम चावल हैं, गुड क्वालिटी चावल हैं ये। इनको हमने भिगो दिया हुआ है, आधा घंटा हो गया, ठीक है। ये 400 ग्राम चीनी है, ये 500 ग्राम चावल, 400 ग्राम चीनी है, ये 30-30 ग्राम जो है ये कटा हुआ नारियल, किशमिश, बादाम और पिस्ता, ये 10 से 12 इलायची के दाने हैं, आधा कप देसी घी है, यहाँ पे ये खोए के पेड़े हैं, ये होममेड हैं, हमारे घर के बने हुए हैं, ये रसगुल्ले हैं, और ये सब्ज़ और लाल कलर है, फूड कलर है, ये इसके अंदर जाएगा। अगर आपने रसगुल्ले और ये पेड़े नहीं, ये फीके हैं फ्रेंड, ये मीठे नहीं है, और अगर आपने ये रसगुल्ले शामिल नहीं करने तो फिर आप जो चीनी है वो चावल के बराबर लें, मतलब 500 ग्राम अगर चावल हैं तो 500 ग्राम ही चीनी लें, लेकिन मैं यहाँ पे रसगुल्ले शामिल कर रही हूँ तो इसलिए मैं 100 ग्राम चीनी कम ले रही हूँ। ये मतलब 500 ग्राम चावल और 400 ग्राम चीनी। तो यहाँ पे चावलों को हम करेंगे बॉयल, फ्लेम करते हैं ऑन, और यहाँ पे हम पकाएंगे शीरा, इसका भी फ्लेम ऑन कर देते हैं। इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये सारी चीनी, और इसके अंदर जाएगा पानी। हम इतना शामिल करेंगे फ्रेंड कि जिसमें चीनी बस पिघल जाए, डिजोल्व हो जाए, इससे ज्यादा पानी नहीं हम शामिल करेंगे, बस इतना सा। ये देखें, ये जो चीनी है ये देखें बस गीली हो गई है। अब इसको स्लो फ्लेम पे हम मेल्ट कर लेंगे, बस इसका एक तार दो तार का शीरा नहीं बनाना, हमने सिर्फ इसको मेल्ट करना है चीनी को इस पानी के अंदर। ये चीनी मेल्ट हो जाए, चावल बॉयल हो जाए, फिर आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड, ये चीनी हमारी यहाँ पे मेल्ट हो गई है, एक अच्छा सा इसको उबाल आ गया है। यहाँ पे इसको साइड पे कर देते हैं, यहाँ पे रखते हैं ये एक छोटा सा बर्तन, इसके अंदर शामिल करेंगे हम ये आधा कप देसी घी, और इसके अंदर इलायची को, जो ग्रीन इलायची है उसको कड़कड़ा के हम एक तड़का तैयार करेंगे जो शीरे के अंदर जाएगा। ये देखें, ये सारा बर्तन अच्छे से साफ कर लें, देसी घी तो वैसे भी बहुत कीमती चीज़ होती है, तो इसको बर्तन के साथ ना लगा रहने दें। ये देखें, यहाँ पे ये अच्छा सा गर्म हो जाए तो ये इलायची इसके अंदर जाएगी। अभी पानी यहाँ पे बॉयल नहीं हुआ है, जब ये पानी को अच्छा सा बॉयल आएगा तो फिर ये चावल इसके अंदर शामिल कर देंगे हम। घी यहाँ पे अच्छा सा गर्म हो रहा है, कितना अच्छा कलर है घी का, माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं फ्रेंड जो है ये मतंजन और जर्दा, इसका तड़का या गुड़ वाले चावल हैं उनका देसी घी में एक तड़का तैयार करती हूँ ये ग्रीन इलायची के साथ। तो ये देखिए, ये इसके अंदर जाएगी, ये देखिए, ये जब अच्छा सा गर्म हो जाएगा, खुशबू आने लग जाएगी इलायची की अच्छी सी, तो फिर हम इसको शीरे में शामिल कर देंगे। ये देखिए ये फ्रेंड, ये खुशबू आ रही है, ये गोल्डन सी हो गई है इलायची, अब हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए ऐसे, यहाँ पे हम जो फ्लेम है वो बिल्कुल ऑफ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा चलता रहने देंगे ताकि जो शीरा है वो गर्म रहे, बिल्कुल ठंडा ना हो जाए। और यहाँ पे ये हम साफ कर लेंगे देसी घी वाला बर्तन जो जिसमें हमने तड़का रेडी किया था। ये देखिए, यहाँ पे पानी भी हमारा बॉयल होने पे आ रहा है, इसमें हम शामिल कर देंगे ये सारे चावल, और इसको 97% तक कुक कर लेंगे। इसके अंदर आपने एक कनी दो कनी नहीं रखना, इसको आपने कुक कर लेना है, यानी कि ये 95-97% आपने कुक कर लेना है, बाकी का जो है वो शीरे और दम के अंदर जो है वो डन हो जाएगा। ये चावल बॉईल करके तो फिर हम आपको बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये चावल यहाँ पे हमारे हो चुके हैं तकरीबन डन, ऐसे चेक कर लेते हैं ऐसे,
और इनका पानी ड्रेन करके हम अच्छा सा, तो फिर आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस कि क्या करना है हमें। ये देखिए फ्रेंड, ये चावलों का पानी हमने ड्रेन कर दिया है और चूल्हे पे हमने रख दिया ये तवा दम के लिए। ये देखिए अब यहाँ पे फ्लेम करते हैं हम ऑफ। ये देखिए अभी भी हल्का हल्का पक रहा है क्योंकि गर्म रहना चाहिए इसको। और अब ये सारा जो शीरा है हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। ये घी, शीरा, ये तड़का लगा हुआ सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा सा इसको साफ कर देंगे ताकि सारा जो मटेरियल है वो इसके अंदर चला जाए। ये देखिए इसके अंदर जाएगा ये सारा ड्राई फ्रूट। ये अभी इसके अंदर ये रसगुल्ले, ये पेड़े और ये फूड कलर नहीं जाएगा। अभी इसके अंदर ये सिर्फ ये ड्राई फ्रूट जाएगा और इसको हम दम पे लगा देंगे। क्योंकि अभी अगर हम इसके अंदर फूड कलर शामिल करेंगे ना, तो ये इसके अंदर शीरा है तो वो अलग अलग दाना तो नजर नहीं आएगा, लेकिन ये रेड और ग्रीन फूड कलर की रेनबो बन जाएगी पानी के अंदर मिक्स होके। तो इसलिए इस स्टेज पे हमने नहीं शामिल करना। जब ये चावल फूल जाएंगे, ये जो शीरा है ये जज्ब कर लेंगे चावल सारे, तो फिर हम जो बाकी का जो है वो मटेरियल इसके अंदर शामिल करेंगे। अभी फिलहाल हम इसको दम पे लगाते हैं। इसको 10 मिनट हम दम पे लगाएंगे। जब चावल अच्छे से हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर बाकी मटेरियल जो है वो सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। चले ये दम पे चलेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं इसको दम पे लगाए हुए, तो अब हम इसका दम जो है वो खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह। अब हमने इनको टच नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ इसके अंदर ये जो हमने फूड कलर रेडी किया हुआ है वो शामिल करेंगे। ये ऐसे इसके अंदर जाएगा, दूर दूर से हम शामिल कर देंगे थोड़ा थोड़ा, ऐसे ऐसे। और ये रेड फूड कलर है, ये जाएगा ऐसे यहाँ पे, ये इधर। आपने एकदम से इसको नहीं डाल देना सारा मिक्स करके, दूर दूर आपने एक एक ड्रॉप जो है वो शामिल करना है, ताकि वो जो वाइट चावल भी तो हमें चाहिए ना, ताकि वाइट भी चावल नजर आए और ये कलरफुल भी नजर आए साथ में। ये जो है ये देखें, बस इतना बहुत है। थोड़ा सा रेड और शामिल कर देते हैं जगह खाली देख के। ये देखें यहाँ पे ये। अब जाएंगे इसके अंदर फ्रेंड ये रसगुल्ले, जहाँ पे आपने कलर शामिल किया है ना वहां पे ना रखें, क्योंकि इनको कलर हो जाएगा फिर। ये ऐसे आप जहां पे रखेंगे ये आपको वहीं पे मिलेंगे, आपने इनको टच नहीं करना। ये देखें ये सारे इसके अंदर इस तरह सेट करके रख दें। ये सारे इसके अंदर अच्छा सा सेट कर दें इनको। चले अगर कहीं लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं, हमने जो है वो इनको एंड पे मिक्स करना है। ये जो शीरा है इसका रसगुल्लों का, ये भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि जाया ना जाए। और सर्व करते वक्त हम इसमें शामिल करेंगे ये खोए के पेड़े। अगर आप अभी शामिल करना चाहते हैं तो कर दें, ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो गरम गरम के ऊपर आप इसको जब डिश में सर्व करें तो फिर ये साथ इसमें शामिल कर दें। अभी हम इनको दोबारा दम पे रख देते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि कलर अच्छा सा पक्का हो जाए चावलों पे और ये जो रसगुल्ले हैं ये सॉफ्ट हो जाएं। तो फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक अच्छा सा। देखिए फ्रेंड, मजीद 10 मिनट यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखें माशाल्लाह चावल बनके हमारे रेडी हैं। फ्लेम करते हैं यहाँ पे ऑफ और इनको अभी 10 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए या 4-5 मिनट के लिए इनकी स्टीम निकलने देते हैं, फिर हम इनको डिश आउट करेंगे।
देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही मजे का शादियों वाला मतंजन हमारा बन के रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये जो पेड़े हैं, अगर दम में डाल देते तो ये सारे वो मेल्ट हो जाते, तो इसलिए इसको सर्विंग में डालते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड आपको अगर आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।